स्नेहा धीर, सांधा पंजाब टीवी, अमृत। नेस्ले कंपनी ठीक है, उसके मालिक को हम नहीं जानते। प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी अच्छी है, नहीं पता कि उसका मालिक कौन है। कोका कोला और पेप्सी भी ठीक है, उनके मालिकों का भी नहीं पता। लेकिन हम सबको पता है कि मुकेश अंबानी चोर है, गौतम अडानी चोर है, बाबा रामदेव भी चोर है, और टाटा बिरला तो खैर पुराने चोर है ही। संसद की नई बिल्डिंग का ठेका टाटा को कैसे मिल गया? सोलर प्रोजेक्ट का ठेका चीन की जगह अडानी को कैसे मिल गया? पतंजलि के प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों से सस्ते हैं, लेकिन बाबा रामदेव बेईमान। 70 साल से कांग्रेस और वामपंथियों के इकोसिस्टम ने हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी है कि भारत के सब सेठ चोर होते हैं। वैसे भी भारत में कोई बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? देश भले ही आजाद हो गया हो, लेकिन गोरी चमड़ी की ये गुलामी आज तक नहीं गई। तभी तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई अदार पूना वाला कोरोना की वैक्सीन बना सकता है। ये कैसे हो सकता है कि दुनिया भर के देश भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं? हमने तो सोचा भी नहीं था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वेंटिलेटर भी बना सकता है। मीडिया ने बताया था कि कोरोना से भारत में करोड़ों लोग मरने वाले हैं। हमारे पास ना तो पीपीई किट्स थे, ना N95 मास्क। सब कुछ विदेश से आना था। विदेश का मतलब चाइना से। फिर ये कैसे हुआ कि भारत ने जहाज में भर भर के दुनिया भर के देशों तक दवाइयाँ, मास्क और पीपीई किट भिजवाई? कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाली सोच से बाहर निकलिए। भारत अब कोई लाचार देश नहीं रहा, ये नया भारत है। समस्याओं को टालता नहीं, उनसे टकराता है। उनको उड़ाने दीजिए आत्मनिर्भर भारत का मजाक, उन्हें मांगने दीजिए आजादी, काटने दीजिए चिकन नेक, मनाने दीजिए अफजल और याकूब की बरसी। आप अपनी सोच बदलिए और देश के साथ आगे बढ़िए। और मैं बोलूंगा उसमें एक मिनट के लिए, टीम गाजीपुर बॉर्डर से सिंघु बॉर्डर हरियाणा की तरफ 5 गाड़ियों को लेकर कूच कर रही है। 2 गाड़ियां हमारे आगे आगे चल रही हैं। दिखाएं थोड़ा सर आगे की तरफ, दिखाएं थोड़ा 2 गाड़ियां, और 3 गाड़ियां पीछे आ रही हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यही एक लास्ट टाइम है, इससे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन भारत में आजादी के बाद पहली बार हुआ है और दोबारा नहीं हो सकता शायद। इसलिए आप सभी लोग घरों से निकले और इस आंदोलन को कामयाब बनाए। हमारा मकसद किसी मोदी से या फिर सोनिया गांधी से नहीं है, न ही किसी सत्ता दल से है। हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन करना। देश में 73 सालों से अभी तक लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट हो, किसान, जनता, जवान, मजदूर सबके सपनों का भारत बने, और ये तभी होगा जब हम वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेंगे। हर एक हिंदुस्तानी संकल्प ले कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं करूंगा। बस इतना ही आपको काम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। बताइए, अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान हैं, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जो सरकार का बयान है कि किसानों के पास 2 रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं,
या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं? नहीं, एक मिनट बात, आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको? अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, भैया 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना। और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म होगी। मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी टेक्निक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है, एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है। उनको पूछो बताओ, बॉलीवुड कंगना जी सुनो ना, उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूँ, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग, आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा, आपका नेट चल रहा, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ, जो अभी 15 दिन, हाँ नहीं नहीं भाटिया द हाँ भाटिया जो नहीं अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है, जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुंदर के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू जा उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहता सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा? मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5,500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कम्प्लीट हो दीजिए, कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं। अच्छा। अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से। जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था। तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा और तुम दोनों भाई साथ थे। तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन के आया तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आज गुरु नानक साहब तो रहे मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा, आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है, अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी ये अभी भी है, इन लंगरों में ही है वो, गुरु तो बहुत नहीं पहुंचने की समर्था नहीं, अभी आप पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरुदेव बाबा ने तो पहले कहता था सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके। एक स्त्री की जो परिभाषा है उसका जो उसको मान दिया है हमारे धर्म ने 550 साल पहले दे दिया है। मोदी जी तो कहते कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, अरे जिन्हें जनानी छाड़ती घंटे का धारी में छड़ जा की गल्ला कर रहे हैं। नहीं वो तो देखिए, देखो मैंने आपको पहले बोला है धर्म को इससे मत रिलेट करो, धर्म का कोई मसला ही नहीं है, ये किसानी का मसला है। लेकिन वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना, प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की, और आलू हर जगह मिलता है, हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है, गया बात कर रहे हो यार, हम पागल है छोटी, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ आपको, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में इतनी आपदाएं आई हैं, उसमें सिख रेजिमेंट या सिख जो ये हमारे ये एड वाले, क्या नाम है इनका, जो है खालसा एड वाले, ये हर जगह पहुंचे हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आई, कितनी आपदा आई, ये पहुंचे, सुनो वो पहुंचे। लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में लंगर चलता रहा 24 घंटे, अब बात आके सुनते रहना, ठीक है। बाढ़ आई है बिहार में, ये जो हेलीकॉप्टर में मुआयना लेके और फोटो में खिंचा के बताते हैं जी प्रधानमंत्री ने मुआयना लिया, घंटा किया उसने वाजा कुछ किया, तो मुआयना लेके वापस आ गया, किया सब सिखों ने, तब किसी कंजर ने नहीं पूछा। आप मेरी बात आगे बात सुनो पूरी, आप लोगों ने पूछा, आप लोग, अरे सर बात, आप बात सुनो, उस टाइम किसी किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि
हम लोग लोगों का सेवा कर रहे तब क्यों नहीं पूछा? अब जब सरदार खुद के लिए कर रहे हैं उनका पूछ रहा है क्या पैसा लेके आ रहे हो? मीडिया में जो मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया में कह रहा हूँ, वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं मैं जानता हूँ कि इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि देश भर का बाकी लोग का समर्थन ना मिले। मैं मीडिया में रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने सुधीर के साथ सरदार दोस्त है, एक छोटी सी बात सरदार, मैं मोहल्ले में रहता हूँ, रहते हो ना, मैंने 6 साल काम किया सुधीर के साथ। मैं वो नहीं, मेरा सवाल है, देखिए मीडिया की कोशिश, सुधीर शर्मा को एक बात बोलना, सुधीर चौधरी नाम है, मेरा मैसेज दे देना उनको एक बार बोलना की भगवान बोलिए ना, वो देखते हैं। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा की यू आर नॉट इमॉर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह जाके मंदिर में मत्था टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठी बोलना है, जब वो धर्म राष्ट्र कौन लेने आता है आपके, कहते हैं ना कोई काऊ के ऊपर बैठ के आता है जो मौत के टाइम, उसको क्या बोलोगे? जब भाई खाता खुलेगा तो सारी उम्र झूठी बोला।